हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने जो है फोर्स पढ़ा था, आज हम फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी वही साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, जहाँ भी आपको साइंस के रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, जो भी आप जो है अगर क्लास 8th में है, सी टेट, DSSSB, सुपर टेट, किसी के लिए भी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये वीडियोज़ आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करना, कमेंट करना। सो लेट अस स्टार्ट विद आर न्यू टॉपिक, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फोर्स क्या होता है। एवरी पुश एंड पुल, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो ना, फ्रिक्शन हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। वो कैसे पता लगा और क्यों लगता है? देखो, फ्रिक्शन भी एक तरह की फोर्स है, ठीक है। आपने क्या किया, बॉल को फेंक दिया। फेंकने के बाद आपने देखा कि बॉल थोड़ी देर के बाद खुद से रुक जाती है, तो वो खुद से क्यों रुकी? ऐसे ही जैसे आपने पेन को ऐसे स्क्रॉल कर दिया, थोड़ी देर के बाद ये रुक गया। तो हर एक चीज़ अपने आप ऐसे क्यों हो जाती है जब हम उस पर फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे? तो वो एक ऐसी फोर्स है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन नेचर के अंदर एक ऐसी फोर्स है जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक है। ये जो है हमेशा फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉल को आपने ऐसे फेंका है तो वो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा और थोड़ी देर के बाद बॉल आपकी रुक जाएगी, ठीक है। ये होता है आपके पास फ्रिक्शन, ये भी एक तरह की क्या है, फोर्स है। नेक्स्ट है कि फोर्स जो फ्रिक्शन है आपके पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है आपके पास, वो आपको देखना है। तो ये आपके पास सरफेस पर डिपेंड करता है। किस पे? सरफेस पे। मैंने आपको बताया था हमेशा फोर्स के लिए दो बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है। फ्रिक्शन के लिए भी कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन उसी के क्या लगेगी, अपोजिट लगेगी। तो सरफेस जो होता है आपके पास, ये दो तरह के होते हैं। एक तो क्या है, बॉडी स्लाइड करती हुई, मतलब ऊपर चलती हुई, घिसती हुई, इस तरह से जाए, इसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक बॉडी ऐसी होती है जो रोल करती हुई आए, इसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अभी मैं इनको अच्छे से समझाऊंगी आपको, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, क्लियर। तो आपके पास क्या होता है, जितना आप रफ करते हो ना सरफेस को, उतना ही फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और जितना स्मूथ होता है उतना ही फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे देखो, आपके पास प्लेन चीज़ होती है कोई भी, तो उससे बॉल जो है, उस पर बॉल जो आप डालोगे वो नीचे जब भी आ जाएगी, लेकिन अगर कोई रफ सरफेस होगा तो उस पर कम आएगी। तो ये जो फ्रिक्शन है आपके पास क्या है, फ्रिक्शन एक ऐसी है चीज़ है जो हमारे लिए कई जगह ज़रूरी भी है और कई जगह नुकसानदायक भी है। तो ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पास देखो, फ्रिक्शन का एग्जांपल देखने के लिए जो मैंने अभी आपको समझाया, देखो यहाँ पर इस टेबल पे आपने क्या किया है कि ये सेल ले लिया, इस सेल को आपने क्या किया, यहाँ से नीचे फेंक दिया। तो यहाँ से नीचे फेंका तो आपने देखा ये यहाँ तक चला गया। अब आपने क्या किया, इस पर कपड़ा डाल दिया। कपड़ा डालने के बाद आपने देखा कि ये सेल यहाँ तक ही गया। तो ये डिस्टेंस पर क्यों फ़र्क पड़ा? क्योंकि ये जो डिस्टेंस था ना, ये जो है आपके पास, यहाँ पर जो ये कपड़ा रखा है, ये रफ है, कपड़ा रफ है, और यहाँ पर क्या था, ये स्मूथ था, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, ध्यान रखना। जितनी चिकनी चीज़ होगी ना, उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा आपके पास, कम होगा। फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। और जितनी ही रफ चीज़ होगी, उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रिक्शन कम था तो आपके पास ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ज़्यादा था तो यहाँ पर जो है फ्रिक्शन ज़्यादा था तो आपके पास कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। फ्रिक्शन एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में देखो क्या है फ्रिक्शन, जैसे आपके पास टायर से समझ सकते हो, ये रोड है, रोड के ऊपर ये टायर जो चल रही है ना, जो भी व्हीकल आपके पास जा रहा है, ये व्हीकल है, कोई भी गाड़ी है, ठीक है, ये आपके पास गाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये टायर है, इनमें जो आपके पास ये अलग शेप के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। इससे जो है आपके पास फ्रिक्शन मेंटेन रहता है, फ्रिक्शन मेंटेन रहता है, और ये टायर्स के साथ क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हुए चलते हैं। इंटरलॉक का मतलब क्या होता है, टायर आपको जो है दिख रहे हैं स्मूथ, हर एक चीज़ स्मूथ दिख रही है, रोड भी आपको स्मूथ दिख रहा है, लेकिन है ना, इनमें भी कुछ फाइन इरेगुलरिटी होती है। इरेगुलरिटी क्या होती है, छोटे छोटे, मतलब ऐसे होल से ऐसे होते हैं, हमें नहीं दिखते ये। और दूसरी बॉडी और होती है, वो आपस में जो है ना, इन दोनों को आपस में लॉक कर लेती है, जैसे ये उंगलियाँ ही हैं,
ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ऐसे समझो। इसके अंदर जो ये गैप है ना, इन्हें इरेगुलरिटी बोलते हैं। इसके अंदर भी गैप है, हमें नहीं दिखता लेकिन ये गैप है, तो ऐसे लोग करते हुए चलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रिक्शन। दिस इंटरलॉकिंग इज फ्रिक्शन, ऐसे, ठीक है। तो ये होता है भाई फ्रिक्शन, क्या होता है, इरेगुलरिटीज का आपस में इंटरलॉक हो जाना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंटरलॉकिंग होती है ये, बस एक वर्ड के लिए, एक वर्ड जो है इंटरलॉकिंग है आपका, क्लियर। अब जो है आपके पास, देखो क्या कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं, ये जो है आपके पास, अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है तो उसे रोक देगी। जैसे ब्रेक लगाया आपने तो भी आपके पास क्या है, फोर्स लगाई, लेकिन खुद से जब आप बॉल को फेंक रहे हो तो वो रुक जाती है, उसे क्या बोलते हो, फ्रिक्शन। अगर आपने लगाए हैं तो वो क्या होगी, फोर्स होगी, ठीक है। अब आपके पास जो है फोर्स ज़रूरी है नहीं है, वो चीज़ देखो कि फोर्स आपके पास, फ्रिक्शन आपके पास एक नेसेसरी ईविल है। नेसेसरी का मतलब है ज़रूरतमंद है, ईविल का मतलब बुराई है। तो ऐसा क्यों है, देखो ज़रूरी कहाँ कहाँ है पहले ये देखते हैं। क्या हम बोर्ड पे लिख पाते, क्या मैं इस पे लिख पाती, नहीं लिख पाती राइटिंग पैड पे, क्यों नहीं लिख पाती, क्योंकि जो यहाँ की इंटरलॉकिंग है ना, ये वाले जो इसकी इरेगुलरिटी है वो इसके साथ लॉक हो जा रही है। जब आप बोर्ड पे लिखते हो तब भी ऐसा ही होता है, तो फ्रिक्शन के बिना लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन के बिना चलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना अगर आपकी चप्पल जो होंगी ना उनमें वो नीचे डिजाइन सा बनाता, अगर वो नहीं होगा तो बेटर ग्रिप नहीं होगी, आप स्लिप हो जाओगे, ठीक है। कीचड़ में चलना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो है चिकनी हो जाती है, जो आपके पास मिट्टी होती है, पानी होता है, रोड पे बिखर जाता है, तो क्यों मुश्किल है चलना, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, कम, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, और लेकिन फ्रिक्शन हमारे लिए बुराई भी है। बुराई क्यों है आपके पास, ये सारे देखो, आप शूज़ भी नहीं बांध सकते, ये देखो ये सोल खराब हो गई है आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से हुई है। ये फ्रिक्शन की वजह से क्यों हुई है, देखो फ्रिक्शन आपके पास ज़्यादातर, अगर आपने दो हाथों का रब किया तो भी आपको देखा होगा कि हीट हो जाती है, गर्म हो जाते हैं, तो ये फ्रिक्शन की वजह से है। दो चीज़ों को आपस में घिसना एक तरह से कह सकते हो। ये जूते हैं टाइम के बाद जो है फट जाते हैं, तो ये वियरिंग एंड टीयरिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वियरिंग एंड टीयरिंग, मतलब जो है फट जाना या टूट जाना किसी चीज़ का, और हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए इसकी बुराई है। मशीन पार्ट थोड़े दिन के बाद जो है ख़राब हो जाते हैं, उनमें वियर टीयर कमी आ जाती है। मैच बॉक्स है, इससे घिसते हो रफ सरफेस से, ये रफ सरफेस होता है जो आपकी लाइन सी लगी होती है ब्राउन कलर की, ठीक है, इससे घिसते हो तो भी हीट प्रोड्यूस करता है, ऐसे किसी और रफ सरफेस से घिसोगे तो भी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो ये भी एक नुकसान ही है, ठीक है। और दूसरा जो है आपके पास, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है भाई इन चीज़ों में, जितनी ज़्यादा देखो नुकसान तो होएगा, हीट प्रोड्यूस होगी तो एनर्जी तो लग रही है, और मशीनें ख़राब हो रही हैं, तो आपके पास जो है फ्रिक्शन को कम करने के भी जो है आपके पास ऑप्शंस, देखते हैं कि कैसे कम करें, तो इनको घटाना बढ़ाना आपके हाथ में होता है। तो देखो इंक्रीज़ कब करते हो, इंक्रीज़ करने के क्या तरीके हैं, इंक्रीज़ करने के तरीके आपके पास ये हैं, जैसे आपने रफ़ कर दिया यहाँ पे इनको, टायर को, जूतों को, ताकि फ्रिक्शन बढ़िया बन जाए, ठीक है। दूसरा, ऑटोमोबाइल हो, बाइसिकल हो, इनमें ब्रेक पैड्स यूज़ कर ले तो ये भी फ्रिक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कबड्डी प्लेयर हैं, मिट्टी ले लेते हैं हाथों में और रब कर लेते हैं मिट्टी से अपने हाथों को, ताकि बेटर ग्रिप बन जाए। जिमनास्ट भी यही करते हैं आपके पास। दूसरा जो है, अब फ्रिक्शन जो है ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है, तो फ्रिक्शन को कम करते हो, कैरम बोर्ड के ऊपर जो आप डालते हो ना पाउडर, तो वो फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि पहले ज़्यादा चिकना हो जाता है, तो फ्रिक्शन को क्या कर देता है ये, आप फ्रिक्शन को यहाँ पे कैरम बोर्ड पे वो डाल के, तो फ्रिक्शन को क्या करते हो, यहाँ पे कम करते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले ही आपके पास क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो पाउडर को इस पर स्प्रिंकल करते हो, ताकि स्प्रिंकल करने से क्या होता है कि जो फ्रिक्शन आपके पास वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो फ्रिक्शन को इस तरह से कम कर लिया जाता है। दूसरा, लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स मतलब चिकनाई, जितनी चिकनाई दोगे तो उससे क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा, जितना स्मूथ होगा उतना ही आपके पास फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। मैंने बताया है आपको, जितनी कोई चीज़ चिकनी होगी उतना फ्रिक्शन कम होगा। तो यहाँ पर तो आपको फ्रिक्शन चाहिए था, यहाँ पर आपके पास क्या है, चिकना था ये, यहाँ पर क्या चिकनी चीज़ थी, स्मूथ था, तो फ्रिक्शन आपको नहीं चाहिए। तो फ्रिक्शन को हटाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर इसमें जो है कैरम बोर्ड में तो आप उसको डालते हो पाउडर को, और इसमें क्या डालते हो, लुब्रिकेंट्स, ठीक है। लुब्रिकेंट्स भी क्या होते हैं, एक तरह से ऑयल होते हैं, लेकिन आजकल सभी मशीनों में ऑयल नहीं डालते, कई जगह पे रबड़ का पैड डाल देते हैं, जिससे आपके पास क्या है, मशीनें ख़राब नहीं होती। देखो रबड़ पैड यहाँ दिखा रखा हुआ है, ये रबड़ पैड डाल देते हैं इस तरह से ऑयल की जगह, ठीक है। दूसरा है एक व्हील्स का यूज़ भी भाई, जैसे आजकल पंखों में और इसमें बॉल बियरिंग बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, बॉल बियरिंग्स का यूज़, तो बॉल बियरिंग्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो फ्रिक्शन होता है ना वो रोलिंग बन जाता है,
फ्रिक्शन दो तरह का होता है, एक होता है स्लाइडिंग एक होता है रोलिंग। तो स्लाइडिंग क्या होता है, जब एक चीज दूसरी के ऊपर मूव कर रही है उसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जब मूव करना शुरू करती है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब मूव करना शुरू किया स्टैटिक, और जब ऊपर से चल रही है ऐसे तो उसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड करना किसी चीज को देखो, और एक जो है आपको रोल करना, जैसे कॉपी है बुक है ये पेंसिलों के ऊपर ये रोल करती हुई चलेंगी ऐसे आगे लेके जाओगे तो रोल करना आसान होता है, ये बैग है बैग रोल करना आसान होता है तो रोल करने में आपका मेहनत कम लगती है, इसीलिए हर एक चीज को आजकल रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, स्लाइडिंग बहुत कम रहा है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है रोलिंग फ्रिक्शन से क्या होता है आपके पास ज़्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, तो इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और जो स्लाइडिंग होता है वो ज़्यादा स्लाइडिंग होता है वो कम होता है किससे, स्टैटिक से, स्टैटिक ज़्यादा होता है क्योंकि स्टैटिक चलने वाला होता है, शुरू में धक्का मारना मुश्किल है बाद में नहीं है। ठीक है, ये बॉल बियरिंग से। ठीक है, अब क्या पानियों में भी होता है फ्रिक्शन, तो बिल्कुल होता है भाई, पानी और गैस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं फ्लूइड, लिक्विड का मतलब पानी और गैस का मतलब गैस, इन दोनों को मिला के बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड हाँ भाई बिल्कुल, ये भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं आपके पास, चारों डायरेक्शंस में एग्जर्ट करते हैं, और गैस भी एग्जर्ट करती है, तो आपके पास इस फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है ड्रैग, क्या बोलते हैं इसको ड्रैग, ध्यान रखना इसको। ये भी आपका हर एक चीज़ पर डिपेंड करता है, शेप पर भी डिपेंड करता है आपके पास, और नेचर पर भी डिपेंड करता है कि क्या लिक्विड है अंदर। और गैस क्यों प्रेशर एग्जर्ट करती है वो कैसे पता, देखो बर्ड्स की शेप में ही आपने एरोप्लेन को बनाया था ताकि आपके पास फ्रिक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप कम कर सको, इसीलिए जो सेम शेप है पानी के अंदर चीज़ों की जो शेप दी है वो ऐसी दी है, जो पानी के अंदर रहते हैं हमारे पास, जो हमारे पास पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं उनके अकॉर्डिंग हमने शेप दी, और जो आसमान में उड़ते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने आसमान में उड़ने वाली चीज़ों की शेप दी, ताकि हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके। तो ये था हमारे पास फ्रिक्शन चैप्टर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ भाई अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो के साथ जो कि है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर साउंड। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।